आज हम बनाने लगे हैं फेस मास्क। इसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी, लेवेंडर प्लस है इसके अंदर, लेवेंडर भी है, और हमने लिया है विटामिन सी सीरम, मिल्क और रोज़ वाटर। सबसे पहले हमने एक प्याली के अंदर जो है वो मुल्तानी मिट्टी डाल लेनी है। मेरे पास मेजरिंग स्पून थे तो मैंने उससे डाली थी, और ये मुल्तानी मिट्टी जो है इसके अंदर लेवेंडर भी मिक्स है जो आपकी स्किन को काफ़ी रिफ़्रेश कर देता है। 2.5 जो है इस पर लिखा हुआ था स्पून पे, ये मेजरिंग स्पून काफ़ी हेल्पफुल होते हैं तो इसीलिए जो है मैंने यूज़ करती हूँ। ये 2.5 मैंने जो है इसमें डाला है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं विटामिन सी सीरम का एक ड्रॉप भर के फुल। आप कोई से भी सीरम ले सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप डॉक्टर राशील के लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर भी ऐड किया था, वो क्लिप स्किप हो गई है। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर मिल्क ऐड किया था 2.5। रोज़ वाटर और मिल्क आप इतना ऐड करेंगे कि जिससे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा जो है लिक्विड ना हो जाए या आपको स्क्रब करने में प्रॉब्लम ना हो बाद में। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और इसको लगाने का प्रोसीजर ये है कि आप इसे लगा लें फेस पर और इसको छोड़ दें। जब ये हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर स्क्रब करके फेस पे से फेस वॉश कर लेना है। लेवेंडर जो है आपकी स्किन को बहुत शाइनी और स्मूथ छोड़ेगा, और मुल्तानी मिट्टी जो है वो आपके रिंकल्स और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा मिल्क जो है वो स्क्रबिंग एजेंट काम करता है, और वो ग्लो के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव me a feedback. Bye.